बीकानेर में आखा तेज पर जमकर उड़ी पतंगे, गलियों में छाया सन्नाटा। खबरों के सिलसिले में बात करते हैं बीकानेर से, जहां पर जमकर हुई पतंगबाजी। आसमान में जहां भी देखो पतंगे ही पतंगे दिखाई दे रही थी। इस दौरान आग्यो आग्यो बोई कट्टा है फिर उड़ा और गली में आदि स्वर घरों के छतों पर गूंजते रहे। आखा तीज पर दिन भर पतंगबाजी का दौर चला। मौसम ने भी दिन भर बीकानेर वासियों का साथ दिया। कभी तेज हवा तो कभी छाए बादल, आसमान में तो कभी हुई बूंदाबांदी। इस त्योहार का लुफ्त उठाने के लिए घरों के छतों पर बच्चों से बुजुर्ग और महिलाएं भी मौजूद रही। सुबह से शुरू हुई पतंगबाजी का दौर शाम ढलने तक चला। छतों पर पतंगबाजों की मंडलियां मौजूद रही। पतंगबाजी के साथ साथ खान पान के दौर भी चलते रहे। वहीं माइक पर स्वरों की गूंज के साथ फिल्मी और राजस्थानी गीतों की गूंज भी रही। घरों में खिचड़ा इमलानी का भोजन हुआ। शाम ढलने पर पतंगबाजी के साथ साथ आतिशबाजी भी जमकर हुई। पतंगों के पेच लड़ाने काटने का सिलसिला दिन भर चला। दूसरों की पतंग काटने का इतना जोश और खुशियां देखते ही बन रही थी। पतंगबाजी के साथ साथ घरों के छतों पर कटी पतंगों को लूटने वाले भी सक्रिय रहे। हाथों में बांस, लकड़ियां और कंटीली झाड़ियां लिए कई पतंगों को लूटने में बच्चे और युवा तत्पर रहे। इस दौरान युवतियों व महिलाओं ने भी पतंगबाजी की महिलाओं ने पतंगों के पेच लड़ाए और पतंगबाजी की परंपरा का निर्वहन किया। हम आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी के साथ साथ पारंपरिक रूप से चंदा उड़ाने की रस्म भी हुई। आखा तीज पर शहर के विभिन्न बाजारों, मुख्य मार्गों से गली मोहल्लों तक स्थित सभी दुकानें बंद रही। बाजारों व मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा।